प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो आपका आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दें आप। क्वेश्चन आपका है 7 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 को सरल करो या हल करो। देखिए अपने आंसर में आपके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 50, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है 10, और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है 20, और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका 18.5। इसके कई तरीके हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको जो वेस्ट लगे वो कर लें। 7 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, देखिए आप इसको आप क्या करेंगे। सबसे पहले 6 4 10 10 और 7 17 17 का 17 पूरे लिखेंगे। इसमें आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 जोड़ देंगे। अब ज़रा आप ध्यान दें, प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3.2। आगे आप देखिए 18 को यूँ ही लिखेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 6 4 10 10 और ये आपके 7 17 होंगे। ये आपका 17 होंगे जोड़ने पर, देखिए 6 4 10 और 7 17, तो यहाँ पर आपके 17 होंगे। ये 17 में आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 18.5। ये आपकी आसान और शॉर्ट टिप्स है, आप आराम से एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए इसके और भी मेथड हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार ज़रूर देख लें। 7 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। अब ज़रा आप ध्यान दें, 7 2 14 और 1 15/2 प्लस 6 2 12 और 1 13/2 प्लस 2 4 8 और 1 9/2। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम जुड़ जाएंगे, तो 15 13 प्लस 9 हो जाएगा आपका 9, और 13 आप जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा। 22 में आप 15 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 47। 22 और 15 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 47 मिलेगा। देख लीजिए जरा, फिर दोबारा देख लें आप, 13 और 9 आपके 22 हो गए। 22 में आप 15 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 47 ही आएगा, क्या मिल जाएगा आपको 47 मिल जाएगा। बटे में आपका 2 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 2 1 2 2 8 16 और 2 5 10। तो तीनों मेथड से आंसर तो एक ही आना है, बस ये है कि आपको जिसमें गुणा या भाग करना होगी उसमें आपको दिक्कत रहेगी और परेशानी रहेगी। देखिए क्या है, 7 सही अगला वाला मेथड देखिए, 7 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। अब जरा आप इसको देखें, 7 2 14 और 1 15 15/2 प्लस 6 2 12 और 1 13 13/2 प्लस 4 2 8 और 1 9/2। 15 के आधे कितने होते हैं 7.5 प्लस 13 के आधे कितने होते हैं 6.5, 9 के आधे कितने होते हैं 5 4.5। लेकिन याद रहे केवल 2 में ही आधे होते हैं, आप प्रत्येक संख्या में कहीं आधा ना करते रहें, क्योंकि 2 से ही आधे होते हैं, या कह सकते हैं आप आधा कर लें या भाग कर लें, बात एक ही है, केवल 2 में आधा होता है, कहीं मालूम पड़े सब संख्याओं में आधा करते रहें। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5 5 5 15 के 5, 1 हासिल लगेगा, 6 4 10 10 और 8 यहाँ पर हासिल जुड़ जाएगा, तो 18 18 के पूरे 18 आएंगे, तो एक के बाद पॉइंट है आपका, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो तीन मेथड हैं आपके, तीन में से सबसे बेस्ट आपका ये वाला रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा गुणा या भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस वाले का यूज़ करें। वैसे आपको जो सही लगे तीनों में से वो आप कर लें, तो आपका ऑप्शन या आंसर क्या आया 18.5, आपका ऑप्शन क्या आया चौथा वाला ऑप्शन आपका क्लियर आ रहा है, चौथा वाला आपका ऑप्शन क्लियर आ रहा है 18.5। आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।